है आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम प्रतापशील जी से बात करेंगे और उनसे चर्चा करेंगे कि आठवें भाव में बैठे अलग अलग ग्रह क्या रिजल्ट देते हैं, साथ ही साथ अलग अलग भावों में क्या रिजल्ट आता है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार। नमस्कार कल्पना जी। सर, हमने लास्ट वीडियो में ये चर्चा की थी कि अष्टम भाव क्या है बेसिकली, उसके बारे में आपसे बात की थी, उसके बारे में चर्चा बिल्कुल किया था और डीप में आपने हमें बताया था कि बेसिकली एट हाउस है क्या। जी। अब मेरा आपसे यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि अष्टम भाव के स्वामी यानी एट्थ लॉर्ड अगर अलग अलग भावों में है तो वो क्या रिजल्ट देंगे। ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि इसको लेके ना अक्सर हाँ लोग और खासकर जो नए छात्र हैं उनको बड़ा कंफ्यूजन रहता है, सिर्फ अष्टम को ही लेके नहीं, इवन हर हाउसेस को लेके, कि भाई फर्स्ट पहले भाव का स्वामी अगर इस घर में गया तो क्या करेगा, उस घर में गया तो क्या करेगा। तो एक तो हम लोग अपने वर्कशॉप में बड़ा सिस्टमेटिकली इसको कर रहे हैं, ठीक है, जैसा पराशर ऋषि ने कहा है, और दूसरे क्लासिक्स में जिक्र है, हम लोग उस सबको लेके एक जो आज की देशकाल परिस्थिति में जो एक लॉजिकल आंसर बनता है, हम लोग उस ढंग से चीजों को पढ़ रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़े। नहीं तो अब मान लीजिए फर्स्ट लॉर्ड बार 11 हाउस में गया, फिर सेकंड लॉर्ड 11 हाउस में गया, तो ऐसे 12 × 9 मतलब 108 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे जी। तो उसको याद रखना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, उसको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जब तक आप लॉजिक नहीं समझेंगे जी तब तक आप ज्योतिष नहीं सीख। जी तो और हम लोग इसी लॉजिक की चर्चा कर रहे हैं पूरे वर्कशॉप में, या वर्कशॉप के अलावा भी जब जब सर पढ़ाते हैं, और सर ने मुझे भी वैसा इंस्ट्रक्ट किया है कि जब जब भी पढ़ाएं तो टॉक विद द लॉजिक, जी कि चीजें आपके अंदर बस जाए। जी तो अब आपका सवाल था कि भाई अष्टम भाव के स्वामी जब अलग अलग भाव में जाते हैं, जी एक तो फलदीपिका में, फलदीपिका एक क्लासिकल बुक है, जी तो उसमें योग दिया हुआ है कि छठे आठवें और बारहवें के स्वामी जब दूसरे भाव में जाते हैं तो दरिद्र योग का निर्माण करते हैं, ठीक है, दरिद्र मतलब गरीबी, मतलब अगर उसको कहें तो जीवन में संघर्ष, चीजों का कम होना। जी सेकेंड चीज, आठवां भाव ऑब्स्ट्रक्शन का हाउस है, दुख स्थान है, चुभने वाला भाव है। तो अब अष्टम के स्वामी जिस भी हाउस में जाएंगे वहां पर क्या होगा, वहां पे एक चुभन पैदा करेंगे, एक कमी पैदा करेंगे, एक हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था क्या कि अष्टम भाव मतलब हाउस ऑफ सडननेस, जी अचानक से। तो वहां पर अष्टम भाव के स्वामी मान लीजिए चौथे भाव में गए जी तो चौथे भाव की चीजों में एक चुभन पैदा करेंगे, पीड़ा पैदा करेंगे, और अचानक से वहां की परिस्थितियों में बदलाव होने की प्रवृत्ति दे देंगे। जी अब ये अचानक अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अचानक आपको विरासत से मिला हुआ धन भी मिल सकता है, अचानक से आपको लॉटरी भी मिल सकती है। जी लॉटरी को भी अष्टम भाव से देखते हैं, अचानक से मिला हुआ धन, जी और अचानक से आपको घाटा भी लग सकता है, आपका व्यापार डूब भी सकता है। जी तो
लॉर्ड का मतलब हुआ, मतलब स्वामी का अर्थ बेसिकली जो हुआ कि उस भाव की फंक्शनिंग, किसी भाव की फंक्शनिंग, जैसे मैं अगर इस मकान में हूं तो मकान तो कुछ करता नहीं है जी। मकान खाली ये बता रहा है कि अच्छे यहाँ पे फिजिक्स की किताब भी रखी हुई है, यहाँ केमिस्ट्री की किताब भी रखी हुई है, यहाँ ज्योतिष की किताब भी रखी हुई है, यहाँ हिंदी की किताब भी रखी हुई है, लेकिन पढ़ेगा कौन? पढ़ेगा तो व्यक्ति, जी या अगर किताब किसी को देना है, देनी है, तो देगा कौन? व्यक्ति, मैं जी जो इस घर का मालिक हूं, स्वामी हूं। तो ये घर कैसे काम करेगा? क्या यहां म्यूजिक बजेगा? क्या यहां पढ़ाई होगी? यहां पूजा होगी? यहां पार्टी होगी? क्या होगा यहां? जी ये डिसाइड कौन कर रहा है? इसका स्वामी, जी मैं डिसाइड कर रहा हूं। वैसे ही घर की क्या स्थिति है, उसकी फंक्शनिंग डिसाइड करने वाला उसका स्वामी है। जी अब घर के जैसे हालात हैं, आप कह लीजिए कि घर के जैसे हालात हैं वैसा ही मालिक का हालात है, या जी मालिक का जैसा हालात है उसी हिसाब से वो अपने घर को रखे हुए। जी तो अष्टम भाव अगर प्रॉब्लम का हाउस है, मतलब उसके स्वामी भी प्रॉब्लम क्रिएटर हैं एक तरीके से। जी जिस भी हाउस में वो जाएंगे, अपने अष्टम के सिग्निफिकेशन को या अष्टम के कारकत्व को लेकर जाएंगे, जी प्रॉब्लम को लेकर जाएंगे। या खाली प्रॉब्लम की ही बात क्यों करें? अगर अष्टम के स्वामी लगन में चले गए, लगन क्या है? हमारी बुद्धि है। जी तो बुद्धि रिसर्च ओरिएंटेड हो सकती है, जी कि अष्टम तो रिसर्च है, जी बुद्धि फिलोसफिकल हो सकती है, व्यक्ति बड़ा दार्शनिक हो सकता है, जी व्यक्ति बड़ा अच्छा साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, जी मतलब दूसरों के मन को समझने वाला हो सकता है। अष्टम भाव अकल्ट का भाव है, मतलब गुह ज्ञान का, छिपे हुए ज्ञान का भाव है। जी तो ऐसे व्यक्ति की प्रवृत्ति या ऐसे व्यक्ति का मन छिपी हुई विद्याओं को ग्रहण करने में लग सकता है। जी ऐसा व्यक्ति छिपी हुई विद्याओं को ग्रहण करने में बहुत माहिर हो सकता है, जी क्योंकि उसको ये प्लैनेटरी सपोर्ट मिल गया, उसको ईश्वर ने ये प्लैनेटरी सपोर्ट मिल गया। दूसरे व्यक्ति को प्रयास करना पड़ेगा छिपी हुई चीजों को उजागर करने के लिए, जी उसको प्लैनेटरी सपोर्ट मिल गया ईश्वर कृपा से, कि उसकी बुद्धि में ही आकर अष्टम के स्वामी बैठ गए, यानी उसकी बुद्धि भी चली गई अष्टम की चीजों को खोजने में। जी तो इसी तरह जब अष्टम के स्वामी अलग अलग भावों में जाते हैं, तो अपने सिग्निफिकेशंस को लेके जाएंगे और जी उस हाउस का जो सिग्निफिकेशन है उसको अलग अलग तरीके से प्रभावित करें। जी ठीक है, इसी का अब एक रिवर्स भी होता है। अब इसी का रिवर्स क्या है कि किसी और भाव के स्वामी, जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा की कि अष्टम के स्वामी लगन में चले गए, जी ठीक है, अब मान लीजिए लगन के स्वामी अष्टम में आ गए, जी तो क्या होगा? लगन के स्वामी अष्टम में आ गए तो भी करीब करीब उसी तरह की बुद्धि व्यक्ति की होगी, लेकिन लेकिन फर्क क्या होगा कि जब लगन के स्वामी यहां पर आएंगे अष्टम में, जी तो वो व्यक्ति के अंदर ये सब चीजें
ये सब चीजें ज्यादा गहरे रूप में आएंगी। जी क्यों? सॉरी, क्योंकि मान लीजिए जब अष्टम के स्वामी लग्न में गए तो स्वामी तो फंक्शनिंग है, जी लेकिन लग्न का स्वामी मान लीजिए किसी और हाउस में चला गया, तो लगन पर, तो लगन की फंक्शनिंग पर तो किसी और हाउस का असर है, ठीक है। जी और लेकिन लगन में अष्टम के स्वामी आ गए, तो जी उससे ज्यादा असरदार ये होगा कि अष्टम भाव में लगन के स्वामी आकर बैठ गए। अब जी ऐसे में अभी जो मैंने बातें कही थी वो, तो ऐसे में लगन के स्वामी जिस भाव में जाएंगे, अष्टम में आएंगे, तो जी जो बातें मैंने अभी कही वो ज्यादा, वो बातें ज्यादा पक्के रूप में उस व्यक्ति के स्वभाव में, प्रकृति जी में आकर बैठ जाएगी, समा जाएगी। नंबर 1 कि उसके बाद जैसे लगन का स्वामी अगर अष्टम में आता है तो व्यक्ति के अंदर इनडिसिसिव नेचर भी आ जाता है, क्योंकि जी यहां क्या है, ये तो अंधेरा वाला वाली जगह है। अब अंधेरे में वो रिसर्च भी कर सकता है या अंधेरे में वो भटक भी सकता है। जी वो व्यक्ति रिसर्च करेगा या भटकेगा ये डिपेंड करता है कि लगन का स्वामी अष्टम में आकर अच्छा हुआ या बुरा। अगर जी बुरा हुआ तो व्यक्ति के अंदर भटकाव आ जाएगा, और अगर अच्छा हुआ तो व्यक्ति रिसर्च ओरिएंटेड, अकल्ट को जी सीखने वाला या इस तरह का हो जाएगा। जी बिल्कुल। जी सर जी, तो मेरा आपसे आखिरी सवाल यही होगा कि जी जैसे मेरा एक और कंफ्यूजन था कि जो अष्टम भाव है, अगर अष्टम भाव में जो बैठे हुए अलग अलग ग्रह है वो क्या रिजल्ट देते हैं अगर वो अष्टम भाव में होते हैं तो? ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, और ये इवन अष्टम भाव ही नहीं, ये हर भाव में ये सवाल आता है। जी अब जैसे पहला नियम तो ये कहता है कि 6, 8 और 12 भाव में बारह जब कोई ग्रह बैठते हैं जी जी तो वो कमजोर हो जाते हैं, जी पहला नियम ये कहता है। इसके बाद ऋषियों ने कुछ अपवाद बताए कि 6ठे में बैठा मंगल, जी 6ठे में बैठा मंगल, 8वें में बैठे शनि और जी 12वें में बैठे शुक्र, जी ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। लेकिन अब इसको भी समझने की जरूरत है। जी इनफैक्ट ऋषियों ने जो चीजें लिखी या जो बताई तो वहां पर बिटवीन द लाइंस बहुत सारी चीजें हैं, तो उस बिटवीन द लाइंस को समझने की और पकड़ने की जरूरत है। अब अष्टम में बैठे शनि किस रूप में अच्छा रिजल्ट देंगे, वो केवल व्यक्ति की आयु में वृद्धि का कारण बनेंगे, जी लेकिन जरूरी ये नहीं है कि अष्टम में बैठे हुए शनि उस व्यक्ति को स्वास्थ्य भी प्रदान करें। ये भी हो सकता है कि आयु बहुत लंबी हो गई, और आयु कैसी मिली, बेड रिडन आयु मिली, जी व्यक्ति को मान लीजिए पैरालिसिस हो गया या ऐसा कोई असाध्य रोग हो गया कि जी आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, जी आपका जीवन बिस्तर पे गुजर रहा है, जी ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पर बैठे हुए सभी ग्रह कमजोर हो जाते हैं। नंबर 1, पाप ग्रह रिलेटिवली
बेटर परफॉर्म कर लेते हैं। जी शुभ ग्रह गुरु और शुक्र जी धन के लिए अच्छा रिजल्ट दे जाते हैं। तो ये अलग अलग ग्रहों का अलग अलग सिग्निफिकेशन यहाँ पे निकल के आता है, जिसकी चूंकि 9 ग्रह हैं। अच्छा, यहाँ बैठे राहु को चंडाल के समान कहा गया है, यहाँ बैठे चंद्रमा को कहा गया कि ये मरण कारक स्थिति में हो जाते हैं। जी मरण कारक स्थिति में हो जाते हैं मतलब कि बड़ा सफोकेटेड फील करते हैं। तो 9 ग्रहों की अलग अलग कहानी है कि वो 8th हाउस में आके कैसा रिजल्ट देते हैं या दे सकते हैं। तो ये इस वीडियो में बनाना तो कल्पना जी संभव नहीं है, इसकी डिटेल चर्चा हम लोग वर्कशॉप में करेंगे। और वर्कशॉप में इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग जानने और समझने वाले हैं। और जैसा कि हर वर्कशॉप में होता है या हर कोर्स में होता है, हम लोग कुंडली की मदद से, रियल चार्ट की मदद से हम लोग सूत्रों को डिस्कस करें। जी सर, धन्यवाद सर आपका, और आपके वर्कशॉप का तो बहुत ज़्यादा वेट रहेगा, क्योंकि आपने बताया कि आप ये जो ग्रह है कि क्या रिजल्ट दे रहे हैं, तो उसके बारे में आप अच्छे से बताएंगे उस वीडियो में। तो मैं इसके लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। जी आपने बहुत हमारे डाउट धन्यवाद। जी सर आपने हमारे डाउट्स को क्लियर किया, साथ ही साथ हमारे दर्शकों को भी बताया। जी जी धन्यवाद सर, मैं आपसे फिर से मिलूंगी सर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये थी हमारी आज की चर्चा प्रतापशील जी के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, जिसमें हमारे 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल है। इसी के साथ डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन करें, जिसमें आपको लेटेस्ट ऑफर्स एंड अपडेट्स मिलेंगे। धन्यवाद।